हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। कमाल आर खान यानी कि केआरके ने फिल्म पठान को लेकर एक ट्वीट से सनसनी फैला दी है। केआरके ने दावा किया है कि विवादों के चलते फिल्म पठान की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है। इसमें से भगवा बिकनी भी हटाई जाएगी और फिल्म का नाम भी बदल दिया जाएगा। हालांकि फिल्म मेकर्स ने इस बात को महज अफवाह करार दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो केआरके ही जानते हैं। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की भगवा बिकनी को लेकर काफी विवाद हुआ। फिल्म के लिए लगातार सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है। पठान इस साल की पहली मेगा बजट फिल्म है। 2018 के बाद शाहरुख खान अब बड़े पर्दे पर बतौर हीरो नजर आएंगे। ये कंफर्म है कि पठान का टाइटल बदला जाएगा, केआरके ऐसा कह रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर केआरके ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ये कंफर्म है पठान का टाइटल अब चेंज हो रहा है, गाने में भगवा बिकनी भी नहीं होगी। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है। फिल्म की नई रिलीज डेट आज या कल में आ जाएगी। केआरके का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बेहद सुर्खियों में है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो केआरके ही जानते हैं, लेकिन उन्हें कितना सीरियस कोई लेता है ये भी जनता के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। रियलिटी शो बिग बॉस 16 में हर रोज कंटेस्टेंट्स के बीच इविक्शन बदल जाती है। कभी टीना शालीन में नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो कभी प्रियंका शालीन की बहुत अच्छी सखी वाली दोस्ती हो जाती है। सुम्बुल तौकीर खान का तो बीच में जब से शालीन संग कनेक्शन टूटा है वो अकेले ही खेलने में यकीन रख रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, साजिद और शिव ठाकरे की मंडली उन्होंने ज्वाइन कर ली है। बीती रात का एपिसोड नॉमिनेशन के नाम रहा। यहाँ टीना शालीन, सौंदर्या शर्मा, साजिद खान, सुम्बुल तौकीर, सुजिता और अर्चना गौतम नॉमिनेट हो गए। इसके अलावा न्यू ईयर पार्टी में टीना दत्ता और शालीन भनौत की नजदीकियां भी चर्चा का विषय रही। सभी घर वालों को एक एक करके बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया और उनसे दोनों के रिश्ते को लेकर बात की। हर किसी का यही कहना था कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं और दोनों का रिश्ता एकदम फेक नजर आता है। जब शालीन भनौत को उनकी और टीना के रिश्ते पर घर वालों की राय पता चली तो हर किसी के पास जाकर सफाई देने लगे। अर्चना गौतम से बात करते हुए शालीन ने कहा कि टीना और वो केवल दोस्त हैं। अगर नजदीक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। इस तरह तो तुम और सौंदर्या भी एक रजाई शेयर करते हो, तो तुम दोनों लेस्बियन हो गए क्या? अर्चना को शालीन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। केवल अर्चना ही नहीं, सौंदर्या भी शालीन के इस उदाहरण को देने को लेकर गुस्सा जाहिर करती है। अर्चना कहती है कि शालीन तुमने ये बहुत ही पर्सनल कमेंट किया है, इसे तुम अभी के अभी वापस ले लो। भाई आपको तो पता है अर्चना कितनी ट्रेंडिंग चल रही है, तो ट्रेंडिंग चल रही है और कितना बवाल मचा रही है ये आप अच्छे से जानते हैं। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार को एक भयानक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। वहीं पंत के एक्सीडेंट के बाद उनके फैंस और फ्रेंड्स उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भी पंत के एक्सीडेंट के बाद एक पोस्ट किया था। एक्ट्रेस ने बिना ऋषभ पंत का नाम लिए अपनी पोस्ट में प्रेइंग लिखा था, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि उर्वशी की ये पोस्ट ऋषभ पंत के लिए है। इन सब के बीच अब उर्वशी की मां मीरा रौतेला ने भी पंत की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ की है और फॉलोवर से भी क्रिकेटर के लिए प्रार्थना करने की अपील की। बता दें कि उर्वशी की मां मीरा रौतेला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऋषभ पंत की एक नई तस्वीर पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, सोशल मीडिया की अफवाह एक तरफ और आपका स्वस्थ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करना दूसरी तरफ। सिद्धिबला आप पर विशेष कृपा करें, आप सभी लोगों की प्रार्थना करें, #GodBlessYou #ऋषभपंत। वही मीरा के पोस्ट शेयर करते ही कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने उनकी बेटी उर्वशी को टैग कर उन्हें भी पोस्ट करने को कहा। बता दें कि पंत के एक्सीडेंट पर उर्वशी ने सीधे तौर पर कोई कमेंट नहीं किया है। वही मीरा की इस पोस्ट के बाद यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा, दामाद जी ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। एक और ने लिखा कि दामाद जी आप लिखना भूल गई। एक और यूजर से लिखा कि धन्यवाद सासू माँ ऋषभ पंत की और से मैक्स हॉस्पिटल से। जबकि एक अन्य ने लिखा, अब भाई ऋषभ ठीक हो जाएगा। आखिर सास ने भी दुआ मांगी है, जल्द मिलेगा भाइयों। तो इस तरह के कमेंट्स लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और इसी तरह के चटपटी मसालेदार खबरों के लिए आप देखना मत भूलिए बॉलीवुड गपशप।